उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को सोमवार को विदाई समारोह है, उनका तो सोमवार को विदाई दी जाएगी। राज्यसभा में 8 अगस्त को सदन उनको विदाई देगा। विदाई समारोह के दिन राज्यसभा में नहीं होगा शून्यकाल। उस दिन का वेंकैया नायडू का 10 अगस्त को खत्म हो रहा है कार्यकाल। देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए संसद भवन में आज मतदान किए जाएंगे। मतदान खत्म होने के ठीक बाद शाम 5 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और अगले 1 से 2 घंटे में देश को नया उपराष्ट्रपति भी मिल जाएगा। देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर 5 साल तक आसीन रहने वाले भारत के 13वें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का 10 अगस्त को कार्यकाल पूरा हो रहा है। बताया जा रहा है कि राज्यसभा के सभी सदस्य सोमवार को अपने सभापति वेंकैया नायडू को विदाई देंगे। इस बात की जानकारी राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने दी। उपसभापति के मुताबिक उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की विदाई के मौके पर सोमवार को शून्यकाल नहीं होगा। इस दौरान सभापति नायडू की विदाई और उनके सम्मान में अलग अलग दलों के नेता विदाई भाषण देंगे। इस बीच उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में राज्यसभा के कामों के प्रति समर्पित दिखे। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य कारणों से सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पा रहे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलकर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली।